ओम श्री गणेशाय नमः। संतोषी माता की जय। आप सभी भक्तों का माँ भगवती जगत जननी देवी संतोषी कल्याण करें, आपकी कामना को पूर्ण करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ आज हम सभी जानेंगे कि माँ भगवती संतोषी अपने भक्तों की ही परीक्षा क्यों लेती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन हानि लाभ दुख तो कभी सुख, किसी का जीवन तो किसी की मृत्यु, किसी के मन में सुख तो किसी के मन में दुख होता ही है, यही जीवन का संगम है। परंतु माँ संतोषी हम सभी की परीक्षा क्यों लेती हैं? जब हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, माता संतोषी की कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम नहीं मानते। आपने क्या कभी विचार किया कि जो कुछ आज हमारे पास है वो माँ का आशीर्वाद ही है, उनकी कृपा ही है। संतोषी माता की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ है। सबसे पहले तो यही विचार करें कि जो हमारी सांसें चल रही हैं ये क्या हम ले रहे हैं? तो सोते समय तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आखिर सांसें कौन ले रहा है? यह शरीर तो मिथ्या है, असत्य है, तो इसमें सांस कहाँ से चल रही है? इसमें देखने की शक्ति कहाँ से आती है? आँखों में ज्योति कहाँ से निकलती है? कैसे हम हरी वस्तु को हरी, लाल वस्तु को लाल, पीले वस्तु को पीला कैसे देख पाते हैं? कौन हमारा भोजन पचा रहा है? कैसे हम अपने आप सो जाते हैं? कैसे हम अपने आप उठ जाते हैं? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं किया। आप मानते हैं कि हमने किया, लेकिन वास्तविकता में वो दैवीय शक्ति है जो स्वतः ही शरीर में संपूर्ण क्रिया को क्रियान्वित कर रही है। आप विचार करिए, संतोषी माता अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। आपने क्या सोचा है कि जब कोई पढ़ाई करता है तो उसकी परीक्षा तो होती ही है। सांसारिक संसार में ही जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी परीक्षा होती है। अगर वो पास होता है तो उसे आगे नौकरी और समाज में सम्मान प्यार मिलता है। तो आप विचार करें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अगर दुख आ रहा है तो आप ये कहते हैं कि हम पूजा पाठ अब नहीं करेंगे, हमने बहुत पूजा की, हमें क्या मिला? लेकिन आपने कभी ये विचार नहीं किया, आपको जो मिला है वो कहाँ से मिला, किसने दिया? आपके पास अगर घर है, आपके पास अगर तन है, आपके पास अगर मन है, आपके पास संपत्ति है, पति है, माता पिता हैं, बालक हैं, ये जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है। अगर आप कभी भगवान को, माता को, देवी को, संतोषी माता को कभी थैंक्स नहीं कहेंगे, कभी धन्यवाद नहीं करेंगे, तो कैसे वो प्रसन्न होंगी? वो तो हमारी परीक्षा ले रही है। दुख कभी आ जाता है जीवन में, चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो इसका अर्थ है माँ भगवती हमारे जीवन की परीक्षा ले रही हैं। और अगर हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो हमें आगे कैसे सम्मान प्यार मिलेगा? तो ऐसे ही माँ भगवती संतोषी हमारे ऊपर कृपा कैसे करें, क्योंकि हम जब तक अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो हम थैंक्स नहीं कहते, तो जरूर कहिए ये आपकी परीक्षा है कि हम दुख सुख से नहीं माँ आपकी शरण में आए हैं, हम तो आपके अपने हैं। और जब कोई किसी को अपना मान लेता है तो ज़रा बताओ क्या वो उसे दुखी देख पाएगा? तो जब आप माता संतोषी को अपना मानेंगे, उनको थैंक्स कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि हमें सुख दुख से नहीं, हमारी तो आप जगत जननी हैं, आपने ही मुझे संसार में भेजा है, तो माँ भगवती जरूर कृपा करेंगी। आप क्या उनके यश गाते हैं? माता के हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं।
अगर आप इस संसार में ही कभी कुछ देना किसी को, हमेशा किसी से मांगते ही रहें, तो ज़रा विचार करो कि आपसे कभी प्रसन्न होगा वो। ये बातें इसलिए आज हम कह रहे हैं क्योंकि आपको अनुभूति हो पाए। जैसे कि आपको अगर किसी ने अंगूठी दी, किसी ने गले का हार दिया, किसी ने नाक में नथ दिया, किसी ने कंगन दिया, या कुछ गाड़ी दिया, या और पैसे रुपए दे, नौकरी दी, तो आप उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे आपने तो बड़ा भाई हमारे लिए बहुत कार्य किया, लेकिन आपने क्या कभी विचार किया कि ये जो हमारे हाथों में अंगूठी है, अंगूठी तो उसने दिया, लेकिन अंगूठी आई कहाँ से, स्वर्ण कहाँ से बना? और आपने क्या विचार किया कि ये हाथ किसने दिया? अंगूठी के लिए तो धन्यवाद दिया, लेकिन हाथ किसने दिया है? नाक में नथ तो किसी और ने पहना दी, मान लो दे दिया, यद्यपि वो परमात्मा के माँ का ही दिया हुआ है, लेकिन अगर सांसारिक रूप में मानते हो तो ये नाक किसने दी? आप किसे बड़ा बताना चाहेंगे, माता संतोषी को या किसी व्यक्ति को? माँ भगवती, माता संतोषी अपने भक्त की परीक्षा ले रही हैं, तो ज़रूर आप उनका भी धन्यवाद करिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, संकट हैं, तो हमने कितने पाप किए हैं, कितनी चुगली, कितनी निंदा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए चोरी मन कर्म वाणी से कर लेते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, तो उसका फल कौन भोगेगा? जैसा बीज हम डालते हैं ज़मीन में, चाहे हम आम का बोएं या बबूल का बोएं, नीम का बोएं या और कोई भी बीज इस ज़मीन में डालते हैं, तो उसका फल कौन सा पेड़ बनता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने नीम का बीज डाला हो ज़मीन में और वो आम बनकर के निकले? ऐसा संभव है क्या? असंभव। ऐसे ही जो दुख आ रहे हैं, जो सुख आ रहे हैं, वो हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन ये सांसारिक व्यक्तियों के लिए है। जब कोई माता को अपना लेता है, ईश्वर को अपना लेता है, इष्ट देव को अपना लेता है, तो फिर वो उसके कार्य को करने लगते हैं। वो माता संतोषी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, सबकी परीक्षा नहीं लेती। पैसे तो कसाई के पास भी हैं, दुर्व्यसनी के पास भी हैं, चोरों के पास भी हैं, डकैतों के पास भी हैं, आतंकवादियों के पास भी हैं। तो क्या वो मनुष्य है? नहीं है, उनकी दुर्गति निश्चित है। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अच्छा है, हो सकता है कल पैसा आ जाए तो बड़ा रोग भी हो जाए। आज पैसा कम है तो कम रोग है, कम दुख है। कल हो सकता है ज़्यादा पैसा आ जाए, तो ज़्यादा सामान, ज़्यादा कुछ आ जाए तो आपके शरीर में रोग बढ़ जाए, तो आप नाना प्रकार की वस्तुओं को खा कहाँ पाएंगे? आपके पास आज रसगुल्ले नहीं हैं, लेकिन आज आपको शुगर भी नहीं है, लेकिन कल आपको रसगुल्ले मिल भी जाएं, बहुत पैसे हो जाएं, आपके घर में आपके फ्रिज में रखे रहे रसगुल्ले, लेकिन आपको शुगर हो जाए, तो आप तो भी नहीं खा पाएंगे ना। तो सुख कहाँ है? सुख अगर अनुभूति करनी है, हर व्यक्ति सुख के चक्कर में ही दुख उठा रहा है, वो सुख पा ही नहीं रहा है। वास्तविकता में तो जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ मन कर्म वाणी से प्राप्त करता है, व्यक्ति को उसी से ही दुख मिलता है। तो सज्जनों, माता संतोषी के प्यारे भक्तों, निराश ना होइए, माता संतोषी पर विश्वास करिए और उनके नाम का सुमिरन करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का पावन तन मिला हुआ है, इससे हमें भगवती माता संतोषी के चरणों में प्रेम करना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए माता संतोषी के लक्ष्मी स्वरूप की सज्जनों पूजा जरूर करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को जरूर पढ़िए। इस मंत्र से माता संतोषी के लक्ष्मी रूप की कृपा होती है और किसी देवी में भेद नहीं मानना है। सारे देवी देवता एक ही हैं,
उनमें भेद करना उनका अपमान करना है। माता संतोषी का मंत्र जरूर पढ़िए, और ये महालक्ष्मी मंत्र संतोषी माता का ही है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसे कमल गट्टे की माला पंसारी के दुकान पे आसानी से, जहाँ पूजा पाठ होता है वहाँ भी मिल जाएगा। इस मंत्र का 11 माला या एक माला प्रतिदिन जप करिए। आप बैठकर एक समय पर एक स्थान पर दीपक जलाकर इस मंत्र को एक माला करिए, यानी 108 बार ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो सज्जनों, माता संतोषी के प्रिय भक्तों, शुभ कर्म करते रहिए, अपना कल्याण करिए। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माँ।